शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कमाल का परिवार है जो ऐसे अपशकुन को बढ़ावा दे रहा है, जो एक कोक सुनी बहू घर की एक बहू की गोद भराई की रस्म कर रही है। घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग। आंटी जी, आप हमारे घर पे मेहमान हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कहेंगी। अच्छा, तो तनुजा क्या झूठ बोल रही थी? क्यों तनुजा, तुमने ये नहीं बोला कि तुम्हारी बहू कभी माँ नहीं बन सकती? बोला था या नहीं? अच्छा, मुझे ये बताना, क्या तेरा भी कुछ खट्टा चटपटा ये सब खाने का मन करता था? बहुत ज्यादा, दिन भर ना बस चाट खाने का दिल करता था। और क्या तुझे चक्कर सा भी आता था और सुबह सुबह उल्टी जैसा भी लगता था? पूछो मत, दीदू तो परेशान हो जाते थे। कम से कम श्रद्धा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, सब कुछ जान कर भी तुम अपनी बहन के साथ इतना गलत करने वाली थी? जो गलत है सो गलत है यार। हम सब मर्दों को यहाँ ऊपर खाने भेज दिया, वो खुद वहाँ पार्टी चल रही है। भाई मैंने तो इस तरह के फंक्शंस बहुत देखे, और जवानी में खास कर तो छुप छुप कर देखे हैं, अपने भाई यारों के साथ मिलकर। भाई भाई भाई, हम क्या बूढ़े हो गए? हम भी चलते ना नीचे, चलना। अबे मरवाएगा क्या तू? तेरा भाई है ना, तू चल, तू चल ना, चल चल आ जा। ए, अरे आप तो अच्छे खासे अनुभवी लगते हैं, हमारी मदद करिए ना प्लीज। हाँ क्यों नहीं। हाँ अब आइडिया आपने दिया तो मदद भी आप ही को करनी पड़ेगी, चलिए। अरे शॉर्टकट से जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, चलिए आइए। अब तो इन्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। भगवान से डरो, अपनी बहन के साथ गलत करने जा रही थी। दोनों सास बहू जलती होंगी, तभी तो बेशरम की तरह यहाँ आ गई। अरे इतना ही नहीं, ढोल मंजीरा पीट के हमें भी बुला लिया। आ जाओ, हमारी बहू पेट से है। बेकार का तमाशा करना तो ये पूरे परिवार की आदत हो गई है। वो तो अच्छा हुआ तुमने सुन लिया संध्या भाभी, वरना इनके पाप के वजह से हमें पाप मुक्त होने के लिए गंगा नहाने जाना पड़ता। बिचारी कीर्ति के बच्चे को कुछ हो जाता तो? सच में आंटी जी, अगर बांझ के हाथों से रस्म हो तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। कीर्ति, कीर्ति, जिस बहन ने तुम्हारा हर हाल में साथ दिया, हमेशा तुम्हारी ढाल बनी रही, तुम उसी बहन के लिए इतनी घटिया बात कर रही हो? मम्मी अब हमें क्यों डांट रही हैं? ये सारी आंडिया इतना बोले जा रही थी तो हमारे भी दिमाग में, हमने कुछ सोचा नहीं। इतनी पढ़ी लिखी होके कीर्ति, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? वही शत है जिसके बारे में आप लोग पूछ रहे थे, जिसकी बहादुरी की तारीफ कर रहे थे,
अरे शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को जो दो सेकंड में भूल गए कैसे इसी श्रद्धा ने इस माँ और उसके बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी थी। और अब आप सब लोग उस दर्दनाक हादसे को आप शगुन का नाम देके मेरी बीवी की बेइज्जती कर रहे हैं। अबे बिल्कुल सही कह रहे, श्रद्धा हमारे परिवार के लिए भगवान का रूप है जिसने हमेशा हमेशा हमारे परिवार की रक्षा की। और कीर्ति, जो श्रद्धा ने किया ना हमारे लिए, उसके लिए तो हमें जिंदगी भर उसका एहसान मानना चाहिए, ना कि इस खोखले समाज की सुननी चाहिए। माँ, हम सच कह रहे हैं, हमारे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो हमारे मुंह से निकल गया बस। श्रद्धा, अपनी बहन की गोद भराई की रस्म शुरू कर। नैना जी, आप ही चुपचाप कैसे तमाशा झेल रही हैं? हम ही पागल हैं जो आपकी बहू की भलाई के लिए लड़ रहे हैं। हम जानते हैं श्रद्धा ने हमारी बहू और उनके होने वाले बच्चे को जीवन दान दिया, लेकिन लेकिन मन के डर का क्या करें? कहीं भावनाओं में बहके हम कोई गलती कर बैठे तो? नैना भाभी, आप ऐसा कह भी कैसे सकती है? अरे रितु, आप हम पे क्यों चिल्ला रही हैं? आप खुद भी जानती हैं, अगर ये हादसा तनुजा के घर में होता तो क्या वो हमें या हमारी बहू को नहीं रोकती? अब है बहुत हो गया, से चले जाने ही बेहतर होगा। श्रद्धा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। भाभी, अब एक काम क्यों नहीं करती? जैसे श्रद्धा को उकसा रही है यहाँ से जाने के लिए, अब हमें भी धक्के मार के बाहर निकाल दीजिए ना, क्योंकि हम भी बेऔलाद और तलाकशुदा है ना, हमें भी निकाल दीजिए यहाँ से। अब हम कुछ बोलेंगे तो सब कहोगे कि रितु बोलती है। अब बोलेगी रितु, रितु को बोलना पड़ेगा। आप लोग जागिए, उठिए, खोलिए अपनी आंखें, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और आप लोग अभी भी विधवा, अपशगुन, इन सब में अटके पड़े हैं। जो लोग ये सोचते हैं ना कि औरत माँ बनकर ही पूरी होती है, वो लोग गलत सोचते हैं। तब तो आप लोगों ने औरत को ठीक से समझा ही नहीं। आप सब भी तो औरत है ना, आप हमें बताइए, क्या औरत का औरत होना काफी नहीं होता? चुप क्यों है? जवाब दीजिए ना। जब औरत की बात आती है तब सब चुप हो जाते हैं। आज जो इसके साथ हो रहा है ना, कल इनमें से किसी के भी साथ हो सकता है। क्यों क्यों हमेशा एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन होती है? क्यों? ये अपशगुन है ना, आप लोगों ने कहा ना कि ये अपशगुन है। अरे इसने अपनी जान पर खेल कर एक माँ और उसके बच्चे को बचाया है, तो ये अपशगुन कैसे हो सकती है? अगर यहाँ पर कोई अपशगुन है ना, तो वो आप सब हो, और आप सबकी ये गिरी हुई सोच। ये अपशगुन नहीं है, नहीं है ये अपशगुन। हम चाहे कितने भी आगे बढ़ जाए रितु, हम अपने रस्म और रिवाज से आगे नहीं जा सकते। अगर तुम एक कोक सुनी औरत से रस्म कराओगी तो हम इस पाप के भागीदार नहीं बनेंगे।
श्रद्धा का घर है और उसकी अपनी बहन की गोद भर आई है, वो यही रहेगी। वो जो उसकी खुशी में शामिल नहीं हो सकता वो इस घर से जा सकता। दरवाजा खुला, नमस्कार। भलाई का तो जमाना ही नहीं है, करो पाप, हमें क्या। नमस्ते। और अगर कुछ हो जाए ना नैना, तो हमारे पास रोते रोते मत आना। मुझे माफ करना श्रद्धा, आज जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। और किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।